या बिजली मिले। वो बात तो वो आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप जो केजरीवाल के पास ऑप्शन है सर, केजरीवाल के पास जो ऑप्शन है, मैं अब उस पर सवाल पूछ रहा हूँ, केजरीवाल के पास जो ऑप्शन है कि क्या वो सरके जेल से सरकार चलाने की बजाय अगर उनको लगेगा कि हो सकता है कि प्रेसिडेंट रूल हो जाए, ऐसी स्थिति में वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? पहले तो मुझे लगता नहीं है कि 356 अभी लगाया जाएगा और उनके सरकार को गिराया जाएगा। पहले तो मुझे यही लग रहा है जो सतीश जी भी हिंट किए कि सुप्रीम कोर्ट मोस्ट प्रोबेबली उनको बेल तो दिला देगा, चाहे उनके अरेस्ट को इलीगल बताए चाहे नहीं बताए, बट उनको जरूर बेल दिला देगा। तो गया जेल से तो वैसे ही बाहर निकल जाएंगे, तो यह नौबत आएगा नहीं। देखिए मैं कोई केजरीवाल जी का डिफेंड नहीं कर रहा हूं, केजरीवाल इज ए वेरी एम्बिशियस मैन, हाईली एम्बिशियस। यदि मॉरलिस्ट होते तो शायद रिजाइन करके किसी को बना देते मुख्यमंत्री, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो दूध से धोए हुए हैं, आखिर वही योगेंद्र यादव या प्रोफेसर आनंद कुमार या अजीत कुमार झा को जो वो निकाले थे पार्टी से, वो बहुत ही मैं कहूंगा इमोरल एक्ट था भाई केजरीवाल। इन्होंने केजरीवाल को हेल्प किया था, उसी पर वो जो है तलवार चला दिए थे। तो उस मामले में कोई माने उसको मैं भगवान नहीं मान रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि नैरेटिव यदि बदल जाए, इंस्टेड ऑफ राहुल वर्सेस मोदी यदि नैरेटिव बन जाए केजरीवाल वर्सेस मोदी, तो मोदी हारेंगे तो नहीं, बट हो सकता है कि कुछ सीट का डिफरेंस पड़ जाए। जैसे कि ये दिल्ली को ही ले लीजिए, दिल्ली में से 7 MP में से 6 का टिकट काट दिया ना बीजेपी ने, क्यों काटा? जब मोदी जी इतना श्योर हैं कि इस अब की बार 400 पार, तो 6 MP को हटाए का है। इसी कारण ये जो प्रेशर है ना नॉन परफॉर्मेंस का बीजेपी MPs पे चारों तरफ, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, मोदी जी परफॉर्म कर रहे हैं पर उनके MPs नहीं कर रहे हैं। अश्विनी चौबे का पत्ता कटा ना बिहार से, उसी तरह बहुत जगह से पत्ता कटा है बहुत लोगों का बीजेपी में, तो वो जो है कुछ वो तो काम कर रहा है ना। तो इसके लिए तो आपको मोदी की तारीफ करनी पड़ेगी कि लास्ट विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से उन्होंने पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर को मैदान में उतार दिया, मुख्यमंत्री की एक प्रकार से कुर्सी छीन ली, आज वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं मामा जी। तो ये तो उनका काम कर रहा है वो स्ट्रेटजी। तो वो जहां अपना टिकट बदलते हैं, इसका मतलब है कि पार्टी का जो इंटरनल सर्वे का जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। इसके लिए तो आपको मोदी जी की तारीफ करनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि नहीं केजरीवाल से डर करके वो टिकट काट रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हमारे नेता का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, हम हटा देते हैं, दूसरे को लाते हैं और वर्क कर रहा है। गुजरात में पूरा कैबिनेट सहित मुख्यमंत्री को हटा दिया, जीत गए, थंपिंग मेजोरिटी से जीते। मध्य प्रदेश में बहुतों लोगों का टिकट काट दिया, बड़े बड़े खिलाड़ी को उतारे, जीते, थंपिंग मेजोरिटी से जीते। राजस्थान में उन्होंने किया, छत्तीसगढ़ में उन्होंने यही काम किया। तो ये तो अभी हरियाणा में उन्होंने कर दिया, मुख्यमंत्री को हटा करके दूसरा मुख्यमंत्री बना दिया, उनको मालूम है वहां कौन केजरीवाल है। कहने का मतलब है कि ये तो एक पार्टी के स्ट्रैटेजी को आपको कहना पड़ेगा कि इलेक्टोरल जो मास्टर माइंड है ये मोदी और शाह है, ये साबित कर रहा है। मैं उसको तो ना बोला, मैं तो ये कह रहा हूं वही मास्टर माइंड, इफ दे आर फोर्स टू रिमूव द इनकम्बेंट दैट मींस दे आर एक्सेप्टिंग देयर इज एंटी इनकम्बेंसी। आप क्यों हटा रहे हैं साहब? आप इसलिए हटा रहे हैं कि पूरे देश में एंटी इनकम्बेंसी फियर्स है। आज तक भारत के इतिहास में 29% अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग ग्रेजुएट हुआ ही नहीं, अभी ILO का फिगर आया है 29% अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। इन्फ्लेशन पर आप देखिए किस तरह से RBI डिदर कर रही है, डरी हुई है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। उसके बाद जो है इकोनॉमिक ग्रोथ तो है बट इनइक्वालिटी बहुत जोर से बढ़ गया है गरीबों और धनिकों में। इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि खाली मोदी जी की गलती है, बट 10 साल से तो पावर में वही है, हो सकता है कोरोना आया इसके कारण हुआ, बट देर इज एन अनहैप्पीनेस इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो वो जो है उसी के कारण बीजेपी इज बीइंग फोर्स्ड टू रिमूव द इनकमबेंट्स। अजीत जी, अरे साहब, ये तो एंटी इनकमबेंसी को मैनेज करना ही तो आर्ट है ना, पॉलिटिकल पार्टी यही तो मैनेज करती है ना। अशोक जी थोड़ा हम यहाँ जोड़ना चाहेंगे जो अजीत जी कह रहे थे, ये
जो अभी बीजेपी का जो स्ट्रेटेजी लग रहा है उसमें बहुत कंसिस्टेंसी हम नहीं देख रहे हैं। दिल्ली में तो ड्रॉप किया, और बिहार में सुन रहे थे जो 16 लोगों का टिकट कटने वाला है या 12 लोगों का, और सबको दे दिया गया। और हमको लगता है ये स्ट्रेटेजी आजकल इस डायरेक्शन में चल रहा है, जो जहां पर अल्टरनेटिव चैनल है पहलवानों को एकोमोडेट करने का, वहां पे रिपीट कर दिया जा रहा है। क्योंकि बिहार में कांग्रेस और लालू यादव दोनों बैठे हुए थे पहलवानों के इंतजार में, जो पहलवान आएगा हाँ उसको हम एकोमोडेट कर लेंगे। उस डर से अपने सारे पहलवान जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का न्यूज था और सर्वे हुआ था इंटरनल, सबको रिपीट कर दिया। लेकिन दिल्ली में क्योंकि आम आदमी के पास अपने ही पहलवानों की संख्या इतनी है, जो इधर से जो ड्रॉप भी कर दिया गया तो उधर एकोमोडेशन का चांस नहीं था, तो अब दिल्ली में देखेंगे बड़ा आसानी से ड्रॉप कर दिया गया। तो मिला जुला के जो कॉन्फिडेंस का जो लेवल था 19 के इलेक्शन में, 14 के इलेक्शन में, उसमें तो थोड़ी कमी हम देख रहे हैं। अब रिजल्ट क्या होगा तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है जो 400 से पार, तो बीजेपी का कॉन्फिडेंस भी 400 से पार वाला ही दिख रहा है। हमको तो लग रहा है जो कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा नीचे है। अब पता नहीं आप लोग इसको कैसे देखते हैं, लेकिन हमको जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एक बहुत कॉन्फिडेंट पॉलिटिकल पार्टी का पोस्चरिंग नहीं है जो अभी बीजेपी को इस इलेक्शन में देख रहे हैं। सरकार बना ले कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।